ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सचे है भी सचे नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 29। जरा ध्यान से देखिएगा, 29 रिटायरमेंट चैप्टर का है। तो सी रिटायर कर रहा है, सी और डी पार्टनर थे, इक्वल रेशियो थी, कुछ रेशियो नहीं दी थी, तो इक्वल ही होगा आपको पता है। तो 1:1 में थे, सी रिटायर कर गया तो सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, और क्योंकि मेरे को करंट का बैलेंस दिया तो सी का करंट अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल के बैलेंस की कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हमारा कैपिटल का कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे को कैपिटल का बैलेंस 6000 दे रखा है। करंट का भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो करंट का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि करंट का डेबिट बैलेंस है 500 का, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट वाले बैलेंस के नीचे आ गया। तो ये हमारे पास हो गया कैपिटल में हमारा, वो ट्रांजेक्शन लिखते हैं अगर हमारा कोई पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, सी कोई पैसा लेके भी नहीं आ रहा, और सी कोई अभी पैसा हम यानी सी कोई ड्रॉइंग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सी का। तो हमारा कैपिटल में कौन सा बैलेंस होता है, जब मालिक पैसा लेके आ रहा होता है, ठीक है, कोई सी पैसा नहीं लेके आ रहा कैपिटल का, कोई पैसा नहीं लेके आ रहा, और ना ही सी ने कोई ड्रॉइंग करी है आउट ऑफ कैपिटल। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल क्वेश्चन में तो 2 बैलेंस कैरी डाउन होती है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 2 सीज लोन इसलिए क्योंकि सी रिटायर कर गया 30 सितंबर को, 6 महीने काम करके, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक काम करा तो रिटायर कर गया। अब जो वो रिटायर करेगा तो कंपनी के प्रति कर्जा है कि उसको 6000 कैपिटल का पे ऑफ करना, तो इसलिए उसकी बैलेंसिंग फिगर 2 बैलेंस कैरी डाउन की बजाय क्या हो गई, 2 सीजन लोन। अब सी का करंट अकाउंट भी बनेगा, सी का करंट का मेरे को डेबिट बैलेंस दिया था तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, 500 क्वेश्चन में दे रखा था। अब सी रिटायर कर रहा, वो कहेगा मेरे को 6 महीने काम करके जा रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा दो, तो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ बी पॉइंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 कंप्लीटेड इयर्स। सो हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 कंप्लीटेड प्रीसीडिंग कंप्लीटेड इयर्स के अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा। तो हमने पहले क्या करा, इसमें बाय पीएनएल सस्पेंस लिखा। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है कि प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो साल के अखीर 31 मार्च को कैलकुलेट होगा। तो अब वो पहले ही 30 सितंबर को रिटायर कर गया तो हम अंदाजा लगाएंगे कि हम इस साल प्रॉफिट कितना कमाएंगे। तो वो अंदाजा वो कह रहे कैसे लगा रहे हैं, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 3 ईयर्स के, तो 2800 + 2200 + 1600 डिवाइडेड बाय 3 करके 2200 आया। तो एवरेज प्रॉफिट 2200 है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि इस साल हम 2200 का प्रॉफिट कमाएंगे, इस पूरे साल अंदाजा लगाया गया। बटे 6 महीने काम करके हमारा रिटायर करा 30 सितंबर को इंटू 6/12, फिर उसके बाद कितना आया 1100, फिर अब 1100 तो पूरी फर्म का 6 महीनों का प्रॉफिट होगा, तो इसका तो आधा क्या होगा, मीन 2 पार्टनर थे ना, तो इसका आधा ही हिस्सा होगा उसमें से 550। तो कैसे आया, 2200 एवरेज आया, मतलब हमने एवरेज लगा ली किस साल हम 2200 प्रॉफिट कमाएंगे, a+a+a डिवाइडेड बाय 3 करके 2200 आया, फिर पर 6 महीने काम करके रिटायर करके इंटू 6/12, तो इंटू हाफ इसलिए करा क्योंकि इसको आधा ही प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 2 पार्टनर्स है, आधा डी लेगा आधा सी लेगा, तो ये रिटायर कर रहा है तो इसको आधा मिल जाएगा। और अब हमारा अगला पॉइंट है गुडविल वाला। गुडविल वो कह रहे हैं, गुडविल इज कैलकुलेटेड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। वहां पे मैंने कैलकुलेट भी करी गुडविल पूरी फर्म की क्या होगी, गुडविल पूरी फर्म की होगी 1.5 इंटू एवरेज प्रॉफिट हमने कितने निकाले 2200, सो मेरे पास 3300 आ गया गुडविल पूरी फर्म की। फिर मेरे पास सी और डी पार्टनर थे, सी रिटायर कर गया, डी वहीं पे रहा। जब सी रिटायर करा, सी का हिस्सा किसने गेन कर लिया, डी ने, तो मेरी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, डी इज गेनिंग पार्टनर, और जो बंदा रिटायर करता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है, 2 सीज करंट। वैसे हम डीज कैपिटल टू सीज कैपिटल लिखते हैं, बट यहाँ पे डीज करंट टू सीज करंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया। तो जो रिटायर करता है वो सेक्रीफाइसिंग होता है, 2 सी हो गया, और जो क्या कहते हैं मींस जो बच जाता है पार्टनरशिप में वो हमारा गेनिंग पार्टनर होता है, तो डीज करंट डेबिट हो गया, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया, तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या पड़ेगी अब उसकी, बाय डीज करंट यहाँ पे लिखेंगे, 2 सीज करंट ऐसी होगी ना पोस्टिंग, बाय डीज करंट टू सीज करंट। 3300 पूरी फर्म की गुडविल थी, 3300 में से सी का कितना होगा आधा, क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, कितना हो गया 3300 का आधा 1650। हमने इन दोनों का टोटल करा,
200 आया, 200 में से 500 माइनस करा, वैसे तो बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन होते हैं, बट रिटायरमेंट है, जो बंदा रिटायर कर रहा है उसकी बैलेंसिंग फिगर उसका लोन अकाउंट होगी, टू सीज लोन की। अब क्योंकि अब फर्म के प्रति जिम्मेवारी है, इसको 1700 रुपया देना है, तो अब टोटल फर्म ने कितना देना है सी को रिटायरमेंट के दौरान, 6000 ये वाला, 1700 ये वाला, 7700 टोटल सीज लोन हो गया है जो फर्म ने सी को, 7700 उसकी रिटायरमेंट पे देना है। दैट्स इट।